हेलो फ्रेंड्स, नीटू क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पारिजात का फूल बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने 3 कलर का ऊन लिया है, जो ऊन 3 प्लाई है और 10 नंबर की क्रोशिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, एक नॉट लगा लेंगे। इसके बाद 9 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेन बनाएंगे। और फिर यहाँ से देखिए, ऊपर से एक चेन छोड़ के दूसरा चेन में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, सेम चेन में फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, 3। अब हम यहाँ दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। और फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पे हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में, देखिए 2 3, चार, एक और 5, और फिर इसे यहीं छोड़ देंगे। इस ऊन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। और अब देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में जैसे इस लाइन में हमने बनाई है, इसी सेम तरीके से हम यहाँ भी बनाएंगे। देखिए, पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर से सेम चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, और फिर अलग अलग चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, और फिर अब हम यहाँ इस चेन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर अब हम यहाँ एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बनाने के बाद देखिए, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले,
फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ हम इस चेन में नहीं, इस गैप में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हम इस गैप में दो टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर से यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर आगे एक डबल क्रोशिया। देखिए अब हम यहाँ से दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे, यहाँ पे अब हम व्हाइट कलर का लगाएंगे। और अब देखिए यहाँ अगला गैप में, देखिए यहाँ पे हम दो टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो, फिर से नेक्स्ट गैप में भी दो टाइम, फिर आगे भी दो टाइम। और इस वाले ऊल को हम इस तरीके से साथे साथे यहाँ से लेके चलेंगे। फिर अब देखिए यहाँ नेक्स्ट चेन में हम यहाँ हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में, तीन। इसके बाद यहाँ पे इस गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद यहाँ पे हम फिर से चार टाइम एक गैप में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे चार टाइम, एक दो, फिर एक दो, फिर से एक दो, एक दो तीन, एक टाइम और चार। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से इस सादा वाला ऊल को छोड़ देंगे यहाँ और इससे फिर बनाएंगे। देखिए आगे यहाँ हम वन डीसी बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, जैसे हमने इस साइड में बनाए हैं दो डबल क्रोशिया अलग अलग लूप में, फिर एक जगह दो डबल क्रोशिया सेम लूप में। देखिए इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरीके से जोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ एक चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अब हम देखिए इस वाले ऊल को यहाँ छूट गया, इस ऊल को भी हम साथ में लेके बनाएंगे।
अब हम यहाँ चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 पांच टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इस उल को छोड़ देंगे और इस वाले से बनाएंगे फिर से हम यहाँ पे, पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर देखिए सेम चेन में 3 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, फिर से अगला चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से अगला चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसके बाद देखिए 3 टाइम हमने 1 2 3 टाइम 3 3 डबल क्रोशिया बनाए एक चेन में। अब हम यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ एक चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में फिर से हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट चेन में हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में, 2 3 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर से 3 टाइम 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन में, 3 डबल क्रोशिया 3 टाइम। फिर से देखिए 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम चेन में, 3 डबल क्रोशिया 3 टाइम बन गए, 1 2 3, बीच में 4। फिर से यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ हम अलग अलग चेन में बनाएंगे देखिए। इसके बाद फिर से 3 टाइम हम सेम चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 2 3, 2 टाइम बन गए, 3 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया और अब हम इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे और इस वाले से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इस साइड भी हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ इस लूप में इसे इस तरीके से बंद कर देंगे और एक चेन बना के यहाँ पे इसे देखिए इस तरीके से हम यहाँ छोड़ देंगे और ये वाले धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए इसे
यहाँ पे अब हम फिर से चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़ के दूसरा चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम टोटल सात सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेवन सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे और दूसरी साइड वापस आ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर दूसरी साइड वापस आ जाएंगे और फिर यहाँ हम सात टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरी साइड आ जाएंगे। इसी तरीके से हम टोटल पांच लाइन बनाएंगे, सात सिंगल क्रोशिया पांच लाइन, देखिए सात लाइन बन चुका, पांच लाइन सात सिंगल क्रोशिया पांच लाइन। अब हम इसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए इसे मोड़ लेंगे ऐसे, और यहाँ इसे हम जोड़ेंगे इस तरीके से, इसे जोड़ देंगे। इतना छोड़ देंगे, फिर यहाँ एक चेन बना लेंगे और इस धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। और अब हम इस वाले डिजाइन में देखिए इस फूल में इसे यहाँ बीच में रखेंगे, जहाँ से गिन शुरू हुआ है यहाँ इस तरीके से ऐसे रखेंगे इसे। देखिए आप इसे सुई धागे से भी यहाँ पे सिल सकते हैं, इस तरीके से यहाँ इसे रखेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ के देखिए इसे बीच में इस तरीके से दबा देंगे और ऐसे यहाँ तक इसे सील देंगे। देखिए यहाँ हम ऊन से ही क्रोशिए से ही सील लेते हैं, आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी सील सकते हैं। तरीके से स्लिप स्टिच द्वारा हम इसे इस तरीके से इसे सील देंगे। और यहाँ एक चेन लेके इस धागे को यहाँ पे हम कट कर देंगे और इसे देखिए यहाँ से इसको अंदर से इसे अंदर करके यहाँ पे हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड खूबसूरत सा अपराजिता पुष्प बनके तैयार है। ये देखिए अपराजिता का फूल दो कलर के होते हैं, हमने तो दो ही कलर देखे हैं, एक वाइट और एक नील कलर का होता है। ये देखिए देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा फूल है। ये देखिए नीला कलर में भी बनाए हैं हमने, आपको जो अच्छा लगे वो कलर में बनाइए, मतलब वाइट और नील कमल कलर का होता है अपराजिता का फूल। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप वीडियो आसानी से देख सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।